राजगढ़ जिले के माचलपुर पुलिस गोघटपुर राजस्थान सीमा पर रात्रि को गश्त करने गई थी। उसी दौरान लगभग रात में एक बाइक आते हुए दिखी, जिसे चेक करने पर उस पर बैठे दो लोगों के बीच में कुछ सामान रखा था। नाम पूछने पर राजेश मेहर और लखन मालवी बताया गया और सामान की पूछताछ की तो गोलमोल जवाब दिया। जब सख्ती की गई तो वे मोटरसाइकिल से भाग लिए। हालांकि पुलिस द्वारा उनका पीछा कर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछने पर किराने का सामान बताए जाने के बाद जब सामान चेक किया गया तो प्लास्टिक की बोरी में कुछ भारी सामान और गुटखा पान मसाला रखा था, जिसमें काले रंग के बैग में चेक करने पर संदिग्ध वस्तुएं, जिसमें रस्सी, लोहा काटने की आरी और रिंच पाने, लोहे की रॉड का बना क्लेम और दो काली शर्ट तथा मोटरसाइकिल में एक लोहे का सब्बल भी मिला। पुलिस द्वारा संदिग्ध वस्तुएं पाए जाने पर गिरफ्तार करके और भी पूछताछ की गई। ये कल मतलब परसों रात की जो अपना गश्त लगा हुआ था, तो कल सुबह सुबह जो गश्त वाले लगे हुए थे, कल सुबह सुबह अपने FRV गोघटपुर में अपना स्टाफ लगा हुआ था, तो उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से चली आ रही है, तो उसको रोका। तो पहले तो रुके नहीं, उसको पीछा करके और रोका गया, एकदम से भागे हो उनका पीछा, काफ़ी दूर तक उनका पीछा करते रहे, पीछा करके और उनको रोका। और जब पूछा कि भाई क्यों भाग रहे हो और कहाँ से आ रहे हो इसकी रात को, तो बताया कि हम उधर मकानी तरफ से आ रहे हैं। तो ये पूछा कि भाई क्या है इसमें, एक ठेला था उनके पास में मोटरसाइकिल पे, दो लोग थे, पूछा तो क्या है इसमें, तो उन्होंने बताया कि तो कुछ किराने का सामान और उसके, तो वो देखा, उसको निकाल के उसको खोल के देखा, तो उसमें ये चिल्लर वगैरह, काफ़ी चिल्लर थी। इनका बैग का देखा तो बैग में कुछ ये ट्रॉमी और कटर, और ये सारा सामान था। पूछा, जैसे पूछा तो बताया कि ये तो हम हमने एक जगह से चोरी की। उनको जैसे वो हुआ संदेह, यहाँ थाने पर लेके आए, उनको पकड़ के लेके आए, केस आपको खबर करी, पता चला कि ये बकानी की तरफ कोई उमरिया करके जगह है थाने में, वहाँ से कहीं से चोरी करके ये आ रहे हैं। अपन ने देखा तो यहाँ पर उनके पास से जो थैला था, उस थैले में करीब 40 किलो 760 ग्राम चिल्लर थी, सिक्के थे, मतलब सिक्के थे, और 26,560 रुपये नगद थे। इसमें पाउच थे डिफरेंट कंपनी वाले, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके पास जो बैग था उसमें काले कपड़े, काला मास्क था, और उन्होंने बताया कि हम ये ड्रेस पहन करके वो चोरी करते थे, मतलब काले कपड़े पहनते थे और काला मास्क पहनते थे और चोरी करते थे। उनके पास से जो ताला तोड़ने की टामी, कटर, पाने, पिंचिस, रस्सी, ये सारा सामान जो अमूमन जो चोर अपने साथ में रखते हैं, जैसे चोरी करने में जो यूज़ करते हैं, वो सारा सामान इनके पास से मिला। उनसे और पूछताछ की गई तो पहले तो जो पैसे मिले यही बताते रहे, उसके बाद में फिर और पूछताछ की गई तो फिर बताया कि उनके कोई साथियों के बारे में पूछताछ की गई। फिर जो पैसे जिस तरह पता चला कि वो भालता थाने में एक फरियादी ने रिपोर्ट किया हुआ, उसमें 2-3 लाख रुपए की चोरी के बारे में थे, पर यहाँ तो 2-3 लाख रुपए नहीं थे, 25-26 हज़ार रुपये करीब होना पता चल रहे थे। फिर और जब उनसे पूछताछ की गई तो भी वो यही बताते रहे। फिर ये पता चला कि जब वो चोरी करके भागे तो जो भी वहाँ थैला मिला, उस थैले में जैसे इन्होंने 40 किलो की चिल्लर डाली तो वो फट गया था, उसी में पैसे, पाउच और सारे जो भी उन्होंने वहाँ से चोरी की थी वो सब भी उसी में था, ये चिल्लर भी उसी में था, और काले कपड़े पहन के ही वो वहाँ से भागे।